So welcome back to the new vlog guys, ek second. है सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइस. सो बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड मुझे कुछ आप लोगों से कहना था कि यू नो अबाउट मेरे कई जो व्यूअर्स हैं मुझे दिखते सो वो मुझसे पूछते कि तू ये क्या वीडियो बना रहा है और ये किस लिए बना रहा है. सो इन शॉर्ट उन्हें पता नहीं है कि व्लॉगिंग क्या होती है. तो मुझे बस उन्हें ये कहना था कि व्लॉगिंग इज़ नथिंग बट हमें जो पसंद है वो हम शूट करते हैं. आई मीन द डेली लाइफ जो होता है यानी कि सुबह उठे या फिर कॉफ़ी पिया या फिर कुछ कर रहे एनी एक्टिविटीज़. इट्स नॉट दैट कि कुछ स्क्रिप्टेड होना चाहिए. सो ये स्क्रिप्टेड नहीं है. सो दैट्स देयर. सो दैट इज़ व्हाट व्लॉगिंग इज़. लोग मुझे पूछते हैं इसमें क्या इंटरेस्टिंग है. तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि ये कोई इंटरेस्टिंग नहीं है. जो मेरा लाइफ स्टाइल है वो मैं शूट कर रहा हूँ. तो अभी मैं हूँ मेरे टेरेस पे. यू नो क्या है वो व्लॉगिंग करते टाइम लोकेशन चेंज करना पड़ता है. सो यू नो टू गेट अ गुड मतलब आपको भी अच्छा लगे. और जो मैं शूट कर रहा हूँ वो मुझे पूछते हैं कि तू ये क्या शूट कर रहा है, तुझे इससे क्या मतलब, तू क्या कहना चाहता है. दैट्स यू नो बेसिकली ये एक प्रोसेस है. प्रोसेस इन द सेंस अल्फ़ा बीटा डेल्टा वैसा कुछ नहीं है. बस यार गाइस मैं जो मुझे पसंद है कि मुझे कैमरे से बात करे और मुझे पसंद है कि मेरी लाइफ जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इन माय डे टू डे लाइफ वो बस मुझे आप लोगों से शेयर करनी है. बस ये होता है व्लॉगिंग. दैट्स इट. ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है. ये कोई शॉर्ट फिल्म जैसा कोई ये नहीं है या फिर कोई वेब सीरीज. हाँ तो ये मैं शूट करता हूँ और बस मैं ये यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ. तो ये मेरा जो काम है इससे मुझे क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता मुझे इससे. मुझे बस अच्छा लगता है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं. अगर आपको व्लॉग क्या है अगर आपको जानना हो तो आप फ्लाइंग बेस्ड मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो. तो ये जानकारी जान के आपको पता चल गया होगा कि व्लॉगिंग क्या होता है. तो बस यार ये होता है व्लॉगिंग यार. बस कैमरा उठाओ, चलते रहो, बात करते रहो. दैट्स इट. मैंने कई दिनों से व्लॉग डाला नहीं था. मेरा जो लेटेस्ट व्लॉग था वो था मेरा लोना व्लॉग का. तो दैट्स वॉज माई लास्ट व्लॉग. लेकिन एक दिन ज़रूर व्लॉगर बनूंगा मैं. ये व्लॉगर बनने के लिए यार आप लोग सपोर्ट करना चाहिए मुझे यार. तो प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे. और मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो अभी बढ़ चुका है. ट्रस्ट मी गाइस. मैं लोगों के यहाँ पे जाके मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ. वो मुझे अब बस बदलना है. लेकिन कैमरे से कैसे बात करें उसका कॉन्फिडेंस जो है वो मुझ में आने लगा है. हे गाइस वेलकम बैक. इज़ द नेक्स्ट डे. अभी मैं जा रहा हूँ स्टेशन के लिए. अब मुझे रिक्शा पकड़नी है. देखता हूँ मैं रिक्शा कहाँ से मिलता है मुझे. अभी अपना स्टेशन ला. फाइनली रिक्शा मिल चुकी है हमें. अभी हम जा रहे हैं स्टेशन की ओर. मीटर नहीं चाल लेना. बरोबर. तो हम पहुंच चुके हैं पुणे स्टेशन में. अब हमारी ट्रेन है 12:45 को एंड अब जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1. पानी की बोतल ले लिया है. 6 घंटे का सफ़र है. अभी 6 घंटे में अभी पता नहीं क्या इंटरेस्टिंग सा होगा. पहुंच चुके तो हैं हम स्टेशन में. लेकिन एक बुरी खबर है. हमारी जो ट्रेन थी वो थी 12:45 की. लेकिन अभी वो ट्रेन है 4 बजे. मतलब 4 घंटा डिले. अभी सवाल ये है कि 4 घंटा यहाँ बैठ के क्या करें. और ना मुझे कोई मैसेज आया ना कोई ट्रेन का अपडेट.
मैं निकलने के टाइम भी मैंने चेक किया था, ट्रेन का टाइम जो था वो ऑन टाइम ही था, लेकिन यहाँ जब पहुँचा तो डिस्प्ले पे देखा तो इट्स 3:55 PM। ट्रेन आने वाली थी 4 बजे, अब वो और डिले हो चुका है 5 बजे तक। पता नहीं यार क्या करें, अभी और 1 घंटा डिले है ट्रेन, तो अभी देखते हैं। अभी 5 बजे राइट में, तो टाइम इज़ 4 o'clock, और 1 घंटा है, 4 बजे आने वाली थी ट्रेन, इट्स कमिंग एट 5 o'clock। देखेंगे अभी, चलो मिलता हूँ मैं आपको, ट्रेन मिलने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। तो भाई फाइनली हमें हमारा जो ट्रेन है वो मिल गया है 6 बजे। लिटरली टाइमिंग था इस ट्रेन का 12:45, फिर वहाँ से वो चेंज हो गया 4 o'clock, फिर से चेंज हो गया 5 o'clock, फिर अभी आई है 6 बजे। पता नहीं है कोई ना एक्सप्रेस ऐसी ही है, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम है। आई डोंट नो, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया मैं बहुत। अभी हम पहुँचेंगे कभी, बिकॉज 6 आवर्स की जर्नी है। टिकट होटल तो वगैरह सब बुक है, नाउ लेट्स सी जल्दी पहुंच जाए और आराम मिले यार, कि कल सुबह उठ के यार मुझे उस कंपनी में जाना है। आई डोंट नो कैसे हो पाएगा, लेकिन लेट्स सी। मॉर्निंग फ्रॉम द होटल, हम पहुँचे यहाँ पे 1 बजे रात में, और आते ही सीधा सो गए। हाँ, ना खाना खाया ना कुछ, बिकॉज यू आर सो एग्जॉस्टेड एंड कोई ताकत नहीं थी, सो वी जस्ट स्लेप्ट। और अभी उठे हैं हम 8:30 बजे, रात का टाइम इज़ 9 o'clock। अभी हमें जाना है एक कंपनी की ओर, बिकॉज एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में वहाँ हमें जाना था। अभी रेडी हो के नाश्ता वगैरह करके हम निकलेंगे वहाँ, लेकिन अभी दिक्कत है कि जाए कैसे, बिकॉज हमारा जो होटल है वो है हाईवे टच, यहाँ पे ना कोई ट्रांसपोर्टेशन है ना कुछ। अब हम होटल वालों से पूछेंगे कि कैसे जाए ताकि हम वहाँ पहुँचे, और वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाऊँगा बिकॉज इट्स अ कंपनी, सो आई कांट शूट देयर। तो अब है सीन, मुझे जाना है नहाने के लिए, नहाने के बाद नाश्ता, उसके बाद हम सीधा निकलेंगे, तो मिलता हूँ, चलो बाय। तो अभी हम निकल रहे हैं वहाँ हमारे कंपनी की ओर, अभी देखते हैं यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते, क्योंकि अभी होटल में पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ भी नहीं है, आपको 3 किलोमीटर चलते जाना होगा, उसके बाद आपको बस या फिर रिक्शा मिल जाएगी। तो जी अब हम बैठे हैं ST में, ये टिकट ले रहे हैं हमने, यहाँ से हम जा रहे हैं मीरा स्टॉप। तो मैं यहाँ पे हूँ एक कंपनी में, अब मैं बाहर बैठा हूँ, हमारा जो काम है वो हो चुका है ऑलमोस्ट, बस अब मेरे दोस्तों के लिए वेट कर रहा मैं बाहर, एंड जैसे वो आते हैं एंड वी विल जस्ट गो बैक टू आवर रूम। कुछ प्रोजेक्ट के लिए केस स्टडी करना था, दैट्स द रीज़न वी केम हियर इन मिराज। ये जो आप देख रहे हैं रोड, ये जो रोड जी, ये पूरा हाईवे है, तो वो हाईवे को लग के मेरा होटल है, तो आजू बाजू कुछ भी नहीं है, बीच में रोड, ये साइड मेरा होटल और वो साइड पूरी खेत है, खेत तो ज़्यादा कोई एक्सप्लोर कर रही है सब चीज़ यहाँ पे है ही नहीं। तो बस होटल में बैठा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, अब थोड़ी देर में सो जाऊँगा। आई नो ये व्लॉग थोड़ा सा बोरिंग है, बिकॉज ज़्यादा कुछ मैंने एक्सप्लोर किया नहीं है, क्योंकि मैं मेरे कॉलेज के काम से यहाँ पे आया था और वो हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी कल चेकआउट है, तो मैं आपको मिलता हूँ कल। सो गुड मॉर्निंग गाइस, सो अब हम चेकआउट कर रहे हैं अभी हमारे होटल से, अभी हमें जाना है बस स्टेशन, वहाँ से हमें बस पकड़ के सीधा हम जा रहे हैं मेरठ जंक्शन, जहाँ से हमारी ट्रेन है 9:15 को। अभी टाइमिंग यहाँ से दिख रहा है 9:15।
आपको तो पता है कोयना एक्सप्रेस, फिंगर्स क्रॉस ये डिले ना हो ताकि हम वक्त पे हमारे घर पहुंच जाए। तो मैं मिलता हूँ आपको सीधा मेरठ जंक्शन पे। तो जी हम चल रहे हैं हमारे बस स्टॉप की ओर, यहाँ से एक किलोमीटर है बस स्टॉप, पीछे हमारा होटल है, वहाँ से अभी हमें जाना है आगे जो कि 1 किलोमीटर, और वहाँ से हमें पकड़नी है ST। सो होपफुली अभी जल्दी से ST मिल जाए सो दैट वी रीच ऑन टाइम। मेरा ट्रेन है 9:15, राइट नाउ द टाइम इज 8 o'clock, सो टाइम है। सो यार बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह, एक मीठी मीठी ठंड है, ठंड मीठी मीठी सी, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी, लेकिन फील्स गुड सुबह सुबह। तो जी हम पहुंच चुके हैं मीरठ के जंक्शन में, अभी हम हैं स्टेशन में, अभी ट्रेन जो है वो है 9:15 को, तो टाइम जो है अभी है 8:30। हम प्लेटफॉर्म पे है, प्लेटफॉर्म नंबर 1, देखते हैं ट्रेन कब आती है, बहुत भीड़ है यहाँ पे। हाँ तो गाइस दिस इज़ द नेक्स्ट डे, मैंने बस ये बोलने के लिए मैं अभी शूट कर रहा हूँ कि व्लॉग यहाँ पे एंड होता है। सो मैं कल एंड करना भूलने गया, मैं बस सो गया था। 8 बजे मैं घर पहुँचा एंड एज यूजुअल कोयना एक्सप्रेस से आया था मैं, इट वाज एज यूजुअल लेट। 4 बजे या पुणे में पहुँचने वाली थी लेकिन वो पहुँची 7 बजे और मैं घर पहुँचा 8 बजे। दैट्स द रीज़न मेरे में कोई एनर्जी नहीं थी और मैंने आने के बाद कोई शूट भी नहीं किया, वॉज फ्रस्ट्रेटेड। एंड अभी मैं ये अक्सर व्लॉगर के साथ ये होता है। सो हाँ तो बस अगर आपको ये वीडियो कैसा भी लगा हो तो नीचे प्लीज़ रिएक्ट करके ज़रूर जाना ताकि मुझे पता चले आप लोगों को वीडियो मेरा कैसा लग रहा है। अच्छा तो लाइक कीजिए, अगर नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो। सो एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड विल कीप इन टच। सो बस मैं आपको मिलता हूँ एक नए व्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर गाइस एंड या सब्सक्राइब, चलो बाय, मिलता गाइस। व्लॉगिंग हर कोई शुरू कर सकता है, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट व्लॉगिंग जस्ट पिक अप योर फोन एंड जस्ट गो फॉर इट।